हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में एक 1 BHK फ्लैट डिज़ाइन करेंगे जिसका डायमेंशन है 20 बाई 30। एक कॉर्नर का प्लॉट है तो उसको डिज़ाइन करेंगे। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो मिस नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेते हैं, REC इंटर करेंगे और ड्राइंग एरिया पे क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर डायमेंशन लेना है 20 बाई 30 का, तो हम एक 20 बाई 30 का एक रेक्टेंगल लेंगे। तो 20 फीट टाइप करेंगे और लेंथ लेते हैं 30 फीट और इंटर करेंगे। तो एक 20 बाई 30 का एक रेक्टेंगल बन चुका है और इसका डायमेंशन हमको मेज़र करना है। तो हम यहाँ पर लाइनर कमांड लेंगे, तो यहाँ पर टाइप करेंगे DLI और इंटर करेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक कर देंगे तो आपको बोलेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे जो जिस डायमेंशन को शो करना है वहाँ पे आप शो कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह यहाँ पे एक डायमेंशन शो कर लेंगे। तो एक 20 बाई 30 का एक रेक्टेंगल बन चुका है। तो इसी में हमको एक 1 BHK फ्लैट बनाना है और इसमें ये कॉर्नर का प्लॉट है जिसका यहाँ पर आगे फ्रंट से रोड है और ये हमारा राइट साइड में भी एक रोड है, ठीक है। तो दोनों तरफ से हमारा ये वेंटिलेशन तो मिल जाएगा, बट यहाँ पर देखा जाएगा कैसे हम बनाते हैं। तो हम पहले यहाँ पर ऑफसेट करते हैं, इसकी वॉल की थिकनेस जो रहेंगे इसको कम रखेंगे क्योंकि जगह कम है। तो हम यहाँ पर 4.6 इंचेस का रखते हैं। तो यहाँ पर हम एक ऑफसेट कमांड लेंगे, ठीक है, वो इंटर करेंगे और यहाँ पर 4.6 इंचेस का डिस्टेंस लेंगे और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और अंदर की तरफ क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वॉल हमारा बन जाएगा, यहाँ पर 4.6 इंचेस का ऑफसेट हो चुका है, ठीक है। और हमको पहले एक्सप्लोड कमांड से इसको एक्सप्लोड करना पड़ेगा क्योंकि आपका ये रेक्टेंगल है जो चारों लाइन आपका अटैच है, ठीक है। तो हमको चारों लाइन अलग करना है, तो एक्सप्लोड कमांड लेंगे, एक्स इंटर करेंगे और यहाँ पर रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। तो ये जितने भी चारों लाइन हैं हमारे अलग हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये फ्रंट में आपका स्टेयर रहेगा जो यहाँ से आप रेंट के पर्पज़ से आप बनाना चाह रहे हैं, तो ये प्लान आपका बढ़िया बन जाएगा। तो सबसे हम यहाँ पर फ्रंट में एक स्टेयर रखते हैं और यहाँ पर एक बेडरूम पीछे रखते हैं, ठीक है। ऑफसेट कमांड लेते हैं और यहाँ पर एक डिस्टेंस लेंगे 10 फीट का, 10 फीट डिस्टेंस लेंगे, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, अंदर की तरफ क्लिक कर लेंगे। 10 फीट का आपका ऑफसेट हो चुका है। अब यहाँ से हमको वॉल बनाना है, तो ऑफसेट कमांड लेंगे और यहाँ पर डिस्टेंस लेंगे 4.6 इंचेस का और लाइन को सेलेक्ट करेंगे और बाहर की तरफ क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारा 10 फीट के डिस्टेंस पे आपका ऑफसेट हो चुका है। अब यहाँ से हम लाइनर कमांड से इसका भी डायमेंशन मेज़र कर लेते हैं, तो देखेंगे ये 10 फीट का है, ठीक है। और यहाँ पर हम ये कॉर्नर पे एक किचन देते हैं, तो यहाँ पर किचन का डायमेंशन 7 फीट रखते हैं, तो वो एंटर करना है और यहाँ पर 7 फीट के डिस्टेंस पे इसको ऑफसेट कर लेंगे, ठीक है। एक वॉल बनाना है, तो हम यहाँ पर वॉल की थिकनेस 4.6 इंचेस रखते हैं और लाइन को सेलेक्ट करके बाहर की तरफ क्लिक करते हैं, ठीक है। ये आपका एक रूम आ जाएगा और यहाँ पर एक किचन आ जाएगा और एक कॉमन टॉयलेट देते हैं जो यहाँ पर रहेगा और स्टेयर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका ड्राइंग रूम रहेगा, लिविंग रूम, जिसे यहाँ पर मेहमान आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक टॉयलेट भी बना लेते हैं, तो सबसे पहले स्टेयर हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो स्टेयर हम यहाँ पर बनाते हैं, वो इंटर करेंगे और यहाँ पर डिस्टेंस लेना है आपको 3.5 फीट का, हमारा ये जो विड्थ रहेगा स्टेयर का वो रखते हैं, तो 3.5 फीट रखते हैं, तो 3 फीट 6 इंचेस, ठीक है, डिस्टेंस लेना है और यहाँ पर लाइन को सेलेक्ट करना है, अंदर की तरफ क्लिक कर देंगे, ठीक है। और हम इसका स्पेस रखेंगे, तो 3 इंच के गैप रखेंगे, तो 3 इंच का हम गैप देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम जो लैंडिंग रहेगा यहाँ पर रहेगा, ठीक है, फ्रंट में रहेगा, तो लैंडिंग यहाँ पर हम बना लेते हैं 3.5 फीट का। तो हम यहाँ पर 3 फीट 6 इंच के डिस्टेंस पे ऑफसेट कर देंगे इस लाइन को, ठीक है। और यहाँ पर एक हम इसको ऑफसेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑफसेट कमांड लेंगे, यहाँ पर भी एक ट्रेड बना लेते हैं, तो 3 फीट 6 इंच के डिस्टेंस पे आपका ये विड्थ रहेगा, तो इसको भी हम 3 फीट 6 इंच के डिस्टेंस पे ऑफसेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमको ट्रिम कर लेना है, ठीक है, और एक वॉल बना लेना है 4.6 इंचेस का, इस लाइन को यहाँ पर ऑफसेट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम ट्रिम कमांड से इसको भी ट्रिम कर देंगे क्योंकि ये आपका काम ख़त्म हो गया इसका, ठीक है। और इसी लाइन को हमको ऑफसेट कर लेना है, तो इस लाइन को हमको ट्रिम करना है और यहाँ पर हमको मल्टी ऑफसेट लेना है। तो हम पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे
और ओ इंटर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर डिस्टेंस डालना है जितना आपको लेना है। तो हम यहाँ पर जो थ्रेड रहेगा जिसपे हम लोग पैर रखते हैं उसको हम 10 इंच रखते हैं, तो हम यहाँ पर 10 इंच का डिस्टेंस रखेंगे, ठीक है। 10 इंच यहाँ पर टाइप करेंगे और यहाँ पर इंटर कर देंगे। अब हमको मल्टी ऑफसेट लेना है तो एम इंटर करेंगे, और यहाँ पर हम जिस डायरेक्शन में बनाना है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये मल्टी ऑफसेट आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम 15 स्टेप रखते हैं, सॉरी यहाँ पे 17 स्टेप रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक यहाँ पर लैंडिंग टाइप में रहेगा, तो यहाँ पर भी एक ट्रेड दे देते हैं। तो यहाँ पर 3.5 फिट का ऑफसेट लेंगे इस लाइन को, ठीक है, और इसी को हम ऑफसेट कर देंगे 4.6 इंचेस का। तो प्लान बनाते वक्त हमको एडजस्ट करना पड़ता है अपने हिसाब से, ठीक है। तो कितना डायमेंशन आ रहा है, कितना डायमेंशन कम हो रहा है, उसी हिसाब से हम रखते हैं प्लान को बनाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम ट्रेड कितना आ रहा है, तो यहाँ पर 10 स्टेप आना चाहिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर 2 स्टेप ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं 2 स्टेप को कम कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से ऑफसेट कर देंगे 3 फीट 6 इंच के डिस्टेंस पे। अब यहाँ पर हम इसी लाइन को हम यहाँ पर कर देते हैं मूव, ठीक है। और ये आपका लाइन एक डबल लाइन हो गया, तो हम यहाँ पर इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसका जो है विड्थ हम 4 फिट रखेंगे, ठीक है। आपका डायमेंशन जो टॉयलेट का रहेगा ये 4 फिट रही रहेगा, तो 1 इंच हम यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रेड कम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक ट्रेड कम कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे हम बढ़ा देंगे, एडजस्ट भी करना है उसी हिसाब से। यहाँ पे हम डायमेंशन 9 इंच कम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम एक यहाँ पे हम ट्रिम कर देंगे इसको, इसको ट्रिम करेंगे। और यहाँ पर ट्रेड हम देखते हैं कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 17 स्टेप पे आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस सही है, ठीक है। और ये जो आपका लाइन आ रहा है बीच में, इसको हम हटा लेंगे। तो यहाँ पे ट्रिम कमांड लेंगे और इसको ट्रिम कर देंगे, इसको ट्रिम करेंगे, और ये बीच के वाला लाइन इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये आपका टॉयलेट हो जाएगा, और यहाँ पे हम किचन दे देंगे, तो ये इसको ये बेडरूम हो जाएगा। और इसका वेंटिलेशन देना है, क्योंकि हमारा देखिए वेंटिलेशन तो यहाँ पर हो जाएगा इसका, क्योंकि आपका यहाँ पर राइट साइड में भी रोड है, फ्रंट साइड में भी रोड है। तो यहाँ पर आपका लिविंग रूम पे और बेडरूम में और टॉयलेट का वेंटिलेशन यहाँ से हो जाएगा, बट किचन का वेंटिलेशन फंस रहा है। तो हम यहाँ पर एक ओटीएस देते हैं, तो ओटीएस का डायमेंशन हम रखते हैं, तो ओटीएस का डायमेंशन हम यहाँ पर इसी लाइन को हम जो वॉल है इसी को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑफसेट लेते हैं 3 फिट का, ठीक है, 3 फिट या आप 1 फिट यहाँ पर मैं बढ़ा लेता हूँ, ज़्यादा 4 फिट का रहेगा तो उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। एक ओटीएस बड़ा रहेगा, इससे आपका ये किचन का यहाँ पर वेंटिलेशन हो जाएगा, ठीक है। और इसका डायमेंशन हम देख लेते हैं, ये 3 फिट का आपका ये एक डोर यहाँ पर ओपनिंग मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम ओटीएस यहाँ पर एक बन यहाँ पर ले लेंगे, एक ओटीएस यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे किचन का वेंटिलेशन यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक विंडो दे देते हैं जो आपका वेंटिलेशन यहाँ से होगा, तो हम एक विंडो यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो विंडो बनाने के लिए यहाँ पर टाइप करेंगे REC इंटर, और यहाँ पर कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोबारा लेते हैं, REC इंटर करेंगे और कॉर्नर से मिलाएंगे, यहाँ पर इस कॉर्नर पे लाइन कमांड लेंगे और मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिला लेंगे, ऑफसेट कमांड लेंगे, 1 इंच के डिस्टेंस पर दोनों तरफ ऑफसेट कर लेना है। ये आपका विंडो हो जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पर भी विंडो एक बना लेते हैं, तो विंडो यहाँ पर भी बना लेंगे,
ऑफसेट का मान लेंगे और यहाँ पर 5 फीट के डिस्टेंस पे इस लाइन को ऑफसेट कर देंगे। ट्रिम का मान लेंगे, इसको ट्रिम कर देंगे, ठीक है। रेक्टेंगल का मान लेंगे, आर ई सी इंटर करेंगे, कॉर्नर से कॉर्नर को मिला लेंगे। लाइन का मान लेंगे, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाएंगे। अब यहाँ पर 1 इंच के डिस्टेंस पे ऑफसेट कर देना है दोनों तरफ, जो आपका ये विंडो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर टॉयलेट का वेंटिलेशन यहाँ से होगा, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा विंडो बना लेते हैं। तो ये 2 फीट का डिस्टेंस पे आपको ऑफसेट कर लेना है। ट्रिम कमांड लेंगे, इसको ट्रिम कर लेंगे। अगर इस प्लान को आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पीडीएफ फाइल, जिसे आप वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर ऑफसेट कमांड लेंगे और इसको भी हम ऑफसेट कर देते हैं 1 इंच के डिस्टेंस पे। ये हो गया है। ये टॉयलेट हमारा कॉमन रहेगा, जो आपका ये लिविंग रूम से और ये बेडरूम का यूज दोनों लोग से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और इसको ट्रिम करते हैं, ठीक है। इसको ट्रिम करेंगे, एक वॉल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और हम इंट्री डोर यहाँ पर बनाते हैं, तो एक इंट्री डोर यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर एक ऑफसेट कमांड लेंगे और यहाँ पे 4 फीट के डिस्टेंस पे एक डोर बना लेंगे। ट्रिम कमांड लेंगे, ट्रिम कर देंगे, ठीक है। और ये जो सिंगल लाइन आपका यहाँ पर आ रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे। और यहाँ पर जो बीच में 3 इंच का गैप लिए थे, इसको जो बीच में लाइन आ रहा है, इसको ट्रिम कर देंगे, ठीक है। इस तरह यहाँ पर ट्रिम कर देंगे। ये एक एंट्री डोर हो जाएगा और यहाँ पर एक डोर हो जाएगा जो लिविंग रूम में जाएगा। तो हम यहाँ पर ऑफसेट कमांड से इसको 3.5 फीट का एक डोर बनाते हैं। तो ये 3.5 फीट के डिस्टेंस पर एक ऑफसेट लेंगे, ट्रिम कमांड लेंगे, इसको ट्रिम करेंगे, ठीक है। और जो आपका ये लाइन है, इसको सेलेक्ट करके इरेज कर देंगे। सॉरी, ये आपका ऑफसेट हुआ था, इसको एक लाइन में बनाएंगे, ठीक है। और इसका डोर आपका यहाँ से रहेगा, तो हम यहाँ पर एक 2.5 फीट का डोर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑफसेट कर लेते हैं 2.5 फीट का, 2 फीट 6 इंच के डिस्टेंस पे इस लाइन को ऑफसेट कर देंगे। और ट्रिम कमांड लेंगे, इसको ट्रिम कर देंगे, ठीक है। और बेडरूम का यहाँ पर डोर रहेगा, 3.5 फीट का डोर रहेगा। तो हम यहाँ पर 3.5 फीट का एक डोर का डिस्टेंस लेंगे, ऑफसेट कमांड से इसको ऑफसेट कर देंगे, ट्रिम कमांड लेंगे और यहाँ से इसको ट्रिम कर देंगे। और ये जो सिंगल लाइन है, इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। और जितने भी आपके वॉल पे जो लाइन आ रहे हैं, इसको यहाँ से ट्रिम कमांड से इसको ट्रिम कर। हमको यहाँ पर विंडो को कलर में थोड़ा दिखाना है, तो हम पर कलर भी कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करिए और बाय लेयर कलर के ऑप्शन में आइए। यहाँ पे जो कलर चाहिए यहाँ से कलर ले सकते हैं, ठीक है। और मैच कमांड लेंगे और यहाँ पर इसको कलर को सेलेक्ट करेंगे, और जिस पे हमको कलर फिल करना है वहाँ पर हम सेलेक्ट कर देंगे, ये कलर फिल हो जाएगा, ठीक है। और हमको टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ पर हम पहले यहाँ पर डायमेंशन देख लेते हैं, कितना बाई कितने का हमारा ये मिल रहा है। तो ये देखेंगे 11 फीट का यहाँ पर विड्थ हो जा रहा है, और यहाँ पर लेंथ जो है ये 13 फीट 8 इंच का डिस्टेंस पे है, ठीक है। और ये OTS कितना बड़ा है, OTS भी काफ़ी अच्छा है, जो वेंटिलेशन यहाँ पर कवर करेगा, ठीक है। ये 4 फीट के डिस्टेंस पे है। और यहाँ पर किचन देख लेंगे हम लोग, लाइनर कमांड लेंगे और यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे। इसी तरह इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, तो 7x10 का एक किचन मिल रहा है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से ये टॉयलेट देख लेते हैं, ये 4.5x7 का है, तो काफ़ी अच्छा टॉयलेट भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये प्लान ड्राफ्ट हो चुका है, बस हमको यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पर टी इंटर करेंगे, और यहाँ पर हम ये लिविंग रूम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैप लॉक ऑन कर लेंगे और लिविंग, ये लिविंग रूम हो जाएगा, ठीक है। इसका डायमेंशन है 11 फीट,
7 इंच गुणे 13 फीट 8 इंच, ये लिविंग एरिया का डायमेंशन हो जाएगा। और कंट्रोल ए करेंगे, इस टेक्स्ट को थोड़ा हम साइज देना चाहेंगे, तो यहाँ पर इसका साइज टेक्स्ट का यहाँ पर दिया है, तो इसको हम बढ़ा लेंगे, ये 8 इंचेस करते हैं, और यहाँ पर ड्राइंग एरिया पे क्लिक कर देंगे, तो देखेंगे बहुत ही बड़ा हो जा रहा है, तो थोड़ा छोटा करेंगे, ये 8 इंचेस है, इसको हम 6 इंचेस करते हैं, ठीक है, इंटर करेंगे और ड्राइंग एरिया क्लिक करेंगे, तो देखेंगे टेक्स्ट आपका यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। और इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, अब कॉपी कमांड लेंगे, CO इंटर करेंगे और यहाँ से इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और मूव कमांड इसको सेट करेंगे, और ये किचन हो जाएगा, ये किचन यहाँ पर टाइप कर देंगे, ये किचन हो गया, और इसका डायमेंशन 7x10 है, तो इसका डायमेंशन हम दे देंगे 7 फीट, ये 0 इंचेस हो जाएगा, और ये 10 फीट हो जाएगा लेंथ, ठीक है, इसको यहाँ से इसको यहाँ पर सेट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसको थोड़ा डिज़ाइन और करेंगे, तो यहाँ पर पहले हम टेक्स्ट लिख लेते हैं, तो कॉपी कमांड से इसको कॉपी करेंगे, और यहाँ पर ये डायमेंशन, ये बेडरूम हो जाएगा एक, तो ये बेडरूम हो जाएगा, एंटर करेंगे, और इसका डायमेंशन 11 फीट 10 इंच, तो यहाँ पर डायमेंशन देंगे विड्थ 11 फीट 10 इंच, और लेंथ है 10 फीट, ठीक है। और ये टॉयलेट हो जाएगा, टॉयलेट का डायमेंशन यहाँ पर देते हैं, टॉयलेट ये 7 फीट 3 इंच है, ठीक है। ये आपका लेंथ 4 फीट 9 इंच के डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो यहाँ पर 4 फीट, ये 9 इंच हो जाएगा, आधा इंच का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर 9 इंच रखते हैं, ठीक है, इसको सेट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर OTS देना है, यहाँ पे OTS का भी डायमेंशन दे सकते हैं, तो यहाँ पे दो बार इंटर करेंगे, और सॉरी यहाँ पे दो बार क्लिक करेंगे, यहाँ पे OTS का डायमेंशन दे देंगे, तो यहाँ पर मॉडिफाई कर देंगे इसको, यहाँ पे OTS टाइप कर देंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पर इसका भी डायमेंशन देना है, तो यहाँ पर इसका डायमेंशन देंगे 4 फीट 9 इंच है, सॉरी यहाँ पे घोड़े का सिंबल लगा देंगे, और इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं, ठीक है। और इस टेक्स्ट को यहाँ पर हटा देंगे, इसको इरेज कर देंगे, मूव कमांड से इसको सेट कर देना है, और इस जो आपका एक क्रॉस लाइन दिख रहा है, इसको डॉट डॉट करना है, पहले यहाँ पर सेलेक्ट करिए और यहाँ पर डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है, सॉरी डॉट डॉट नहीं, यहाँ पर बाय लेयर कलर में, और यहाँ पर हिडन लेंगे, इसको कलर करना है तो कलर भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर आपका ये वेंटिलेशन भी हो जाएगा कवर, और यहाँ पर OTS देना चाह रहे हैं तो OTS भी एक छोटा सा दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वॉशिंग मशीन या कुछ रखना चाह रहे हैं तो ये उसमें काम आ जाएगा एरिया में। और ये आपका यहाँ से डॉट डॉट दिखा देते हैं, जो यहाँ से जाने का रास्ता रहेगा, तो ये जितने भी स्टेप है इसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से बाय लेयर के ऑप्शन में जाके हिडन कर देंगे, ये देखिए आपका हिडन लाइन हो गया है, तो यहाँ पे एक लाइन यहाँ से दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ से अब दिखाना है, तो हमारा जहाँ से आपका स्टेयर चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक एरो दिखा देते हैं, क्लीनर कमांड लेंगे और यहाँ से एक एरो दिखा देंगे, यहाँ पे टाइप कर देंगे अप, जो ऊपर जाने की रास्ता रहेगा, और ये देखिए यहाँ से ये कुछ ऐसा सिंबल आ रहा है, तो इसको यहाँ पे इसी पे हम दो बार क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे एरो का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आर्किटेक्चर टिक पे दिया हुआ है, तो यहाँ से इसको एरो पे कर देते हैं, तो यहाँ पे क्लोजेट फील यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे, तो ये देखेंगे एरो आ गया है, इस तरह यहाँ पर एक एरो दिखा देंगे।
इस एरो को थोड़ा बड़ा करना है तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं, एरो साइज़ दिया हुआ है और इसका साइज़ हम बढ़ा देंगे, सॉरी यहाँ पे इसको कर देते हैं 5 इंचेस। अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये देखेंगे बड़ा हो गया। ये आपका यहाँ से आप सीढ़ी पे ऊपर जाएंगे, ऐसे जाएंगे और यहाँ से ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका लिविंग रूम आ जाएगा, ये लिविंग रूम का यहाँ पे डायमेंशन है 11 बाई 11.5 बाई 13 का है, 13.5। और ये आपका ओपन एरिया रहेगा, ठीक है। यहाँ से आप ये किचन में जाएंगे, किचन का यहाँ पे हमारा वेंटिलेशन हो जा रहा है, यहाँ पे ओटीके से हो जाएगा और यहाँ पे इसका वेंटिलेशन यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रोड रहेगा और ये एक विंडो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी हमको टेक्स्ट लिखना है, विंडो दिखाना है, तो यहाँ पे इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे W टाइप करेंगे और इसको सेट कर देते हैं, मूव कमांड से इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। कॉपी कमांड लेंगे, CU इंटर करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कॉपी कर देते हैं, जहाँ जहाँ विंडो है वहाँ वहाँ हम कॉपी कर देंगे, यहाँ पर विंडो इसको भी कॉपी कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे और मूव कमांड लेंगे, इसको सेट कर देंगे, ठीक है। ये विंडो छोटा है तो इसको छोटा, यहाँ पे इसका जो टेक्स है इसको हम D2 रखते हैं या D1 रखते हैं, ठीक है, ये D1 हो जाएगा। और इसका वेंटिलेशन, ये वेंटिलेशन के लिए टेक्स आप यहाँ पर V टाइप कर सकते हैं जो वेंटिलेशन दर्शाएगा, ठीक है। और ये विंडो है तो इसको विंडो को यहाँ पर टेक्स सेट कर देंगे, इस तरह यहाँ पर हम प्लान ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये 1 BHK फ्लैट डिज़ाइन हो चुका है आपका, ये डोर हो जाएगा और इस डोर को यहाँ पर भी डोर का टेक्स्ट लिखना है तो इसी को हम कॉपी करेंगे और यहाँ जहाँ डोर है वहाँ वहाँ डोर दिख, यहाँ पर टेक्स्ट लिख देंगे, ये D हो जाएगा, ठीक है। ये 4 फिट का डोर है तो इसको D रखेंगे और इसको सेट कर देंगे यहाँ से। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, जहाँ जहाँ डोर है वहाँ वहाँ हम रख देंगे, इसको मूव कमांड से सेट करेंगे। और ये 4 फिट से छोटा है तो यहाँ पे D1 रखते हैं, जितना छोटा रहता जाएगा वहाँ वहाँ हम यहाँ पर इसको D1 D2 ऐसे से रखेंगे। कॉपी कमांड लेंगे, CU इंटर करेंगे, जहाँ डोर है वहाँ कॉपी कर देंगे, मूव कमांड से सेट कर देंगे। ये 3 फिट का सबसे छोटा डोर है तो इसको हम D2 रखते हैं, ठीक है, सॉरी ये छोटा नहीं, सबसे छोटा तो टॉयलेट है ना, ये D3 हो जाएगा, ठीक है। और इसी को हम कॉपी कर देंगे यहाँ पर, ये आपका 3.5 फिट का है तो हम D1 रखेंगे और कॉपी कमांड से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर मूव कमांड से इसको मूव कर देंगे और ये आपका D3 हो जाएगा, सबसे छोटा डोर जो टॉयलेट का डोर हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे इस तरह यहाँ पर प्लान आप 1 BHK फ्लैट डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम और डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर सेंटर डिज़ाइन लाकर यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं, बेड और यहाँ पर टॉयलेट का, यहाँ पर ये सब आपको जितना सोफ़ा वोफा फर्नीचर ये सब लाकर डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक 2.5 फिट का छज्जा बनाना है जिसपे हम यहाँ पर जिसपे चूल्हा उल्हा रखते हैं, तो यहाँ पर हम 2 फिट का ऑफसेट ले लेंगे और इसको ऑफसेट कर देते हैं, यहाँ पर भी ऑफसेट ले लेते हैं, ठीक है। फिलेट कमांड लेंगे, F इंटर करेंगे और यहाँ से फिलेट कर देते हैं। ट्रिम कमांड लेंगे और यहाँ से इसको ट्रिम कर देंगे और सिंगल लाइन जो आपका यहाँ दिख रहा है इसको डिलीट कर लेते हैं और इस डायमेंशन का कोई काम नहीं, इसको सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। इस तरह यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको डिलीट कर लेंगे और इस टेक्स्ट को हम यहाँ पे सेट कर देते हैं मूव कमांड से, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे सेंटर डिज़ाइन से यहाँ पे कमबोर्ड और यहाँ पे बेड ये फर्नीचर उलाना है तो हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस टू करेंगे, जो आर्टिफिशियल ड्राइंग लेते हैं तो यहाँ पे Ctrl+2 करेंगे और यहाँ पे देखेंगे ये दिया हुआ है चूल्हे वूल्हे हैं सब, यहाँ से जो लेना है यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, चूल्हा हो जाएगा और बेड यहाँ से लेना है तो यहाँ पर मैं बेड ले लेता हूँ,
ये देखेंगे बेड है, यहाँ पे बेड ब्लॉक दिया हुआ है, यहाँ पे मैं डाउनलोड किया हूँ ठीक है। तो यहाँ पे डिज़ाइन जो बेड है अच्छा लग रहा है वहाँ से ले लेंगे, ऐसे एक बेड ले लेते हैं, ओके करेंगे, यहाँ पर बेड आ जाएगा। और कमबोर्ड भी चाहिए तो कमबोर्ड भी ले लेते हैं। यहाँ पे सोफ़ा वोफ़ा चाहिए तो सोफ़ा यहाँ पर है, सोफ़ा यहाँ पर एक लेंगे। यहाँ पे देखेंगे सोफ़ा है, यहाँ पे एक सोफ़ा ले लेते हैं, तो जो सोफ़ा अच्छा लग रहा है वहाँ से सोफ़ा ले लेते हैं। यहाँ पर दो बार क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके करेंगे, ये आपका सोफ़ा भी आ गया है ठीक है। और इस सोफ़े को हम यहाँ से मूव कमांड से इसको सेट कर देते हैं, रोटेट कमांड लेंगे, आर ओ इंटर करेंगे और इसको रोटेट कर लेते हैं, सॉरी ये थोड़ा आर ओ इंटर करेंगे, यहाँ से इसको रोटेट कर देंगे, मूव कमांड लेंगे और यहाँ पर इसको मूव कर देते हैं, इसको प्रॉपर यहाँ से सेट कर देंगे मूव कमांड से ठीक है। इस तरह यहाँ पर हम फर्नीचर भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ पर हम सेट कर लेंगे। और यहाँ पर ये चूल्हा है तो इसको हम सेट कर देंगे, आर ओ इंटर करेंगे और इसको रोटेट कर देते हैं, मूव कमांड लेंगे तो इसको इस तरह यहाँ पर रोटेट करेंगे, मूव कमांड लेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक कर देते हैं ठीक है। सिंकिंग लाना है तो यहाँ से यहाँ पर सेट कर देंगे, और यहाँ पर कमबोर्ड लाना है तो कंट्रोल प्लस टू करेंगे, ये आपका सॉरी कंट्रोल प्लस थ्री करेंगे, तो कंबोर्ड लाने के लिए कंट्रोल प्लस थ्री करेंगे। ये आपका देखेंगे यहाँ पे टॉयलेट दिया हुआ है, यहाँ से टॉयलेट ला लेंगे और इसको देखेंगे इस तरह है, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, प्लान पे क्लिक करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। और मूव कमांड लेंगे, इसको सेट कर देंगे, इसको यहाँ पे प्रॉपर सेट कर देंगे ठीक है, इस तरह यहाँ पे सेट कर देंगे, ऐसे सेट करते हैं। और बेड भी लगाना है तो हम बेड भी लगा देंगे, तो बेड देखेंगे, ये बेड बहुत ही छोटा है तो इसको हम स्केल कमांड से स्केल करेंगे, ऐसे टाइप करेंगे और कहीं कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो इसको हम बड़ा कर लेंगे ठीक है। इस तरह यहाँ से हम सेट कर देंगे, ये देखिए स्केल हो चुका है। और यहाँ से हम रोटेट कमांड से इसको रोटेट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सेट करके देखते हैं ठीक है। यहाँ पर इसको सेट कर देंगे जिस डायरेक्शन में आपको सेट करना है, और ये टेक्स्ट को हम यहाँ पे नीचे रखते हैं ठीक है। और हैश कमांड से इसको इसको डिज़ाइन देना है, तो ये जो किचन का इसमें यहाँ पर गैस वैस है तो यहाँ पर हम डिज़ाइन दे देंगे ठीक है। और इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कलर करना है तो कलर भी कर सकते हैं इसको, दूसरा कलर देना है तो यहाँ पे दूसरा कलर दे देते हैं ठीक है। और यहाँ से हम वॉल बनाना चाह रहे हैं सॉलिड, तो यहाँ पे सॉलिड का ऑप्शन देखेंगे, हैच कमांड पे टिप करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको सॉलिड कर देते हैं। और यहाँ पर इसको सॉलिड करना है, जहाँ जहाँ सॉलिड करना है वहाँ वहाँ प्रेस कर देंगे। इस तरह यहाँ पर हम एक 1 BHK फ्लैट डिज़ाइन कर सकते हैं इस तरह ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो मिस नहीं होगी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।